बच्चों नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों आज मैं पढ़ाना शुरू करूँ, थोड़ा सा सोच रहा हूँ एक कहानी कुछ डिस्कस की जाए आप लोगों से। आप लोग कई बार परेशान रहते हैं कि सर एक कहानी सुनाइए, कोई कहानी सुनाइए। आज मैं बस थोड़े मिनट के लिए, ज़्यादा 10 मिनट्स की एक कहानी सुनाता हूँ। सुनना चाहेंगे? बोलिए सभी लोग सुनना चाहेंगे। चलिए भाई आइए। बच्चों कहानी एक एरिया की है, एक बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा घना जंगल है, बहुत बड़ा। उसके पास में एक गांव है। उस गांव के लोगों का एक विश्वास है कि इस जंगल में एक बहुत बड़ा खजाना है। ध्यान रखिएगा, क्या विश्वास है कि इस जंगल में एक बहुत बड़ा खजाना है और ये पक्का है कि यहाँ पर खजाना है। यदि ये खजाना मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमारी बहुत सारी जो समस्याएं हैं दूर हो जाएंगी। इस क्रम में बच्चों पहले बहुत सारे लोग ढूंढने गए परंतु वे वापस नहीं आए, है ना? ध्यान रखिएगा, वे कभी फिर वापस नहीं आए। तो लोगों को डर भी था कि भाई बहुत कहीं खतरनाक जगह पर खजाना है और ये पक्का है कि कहीं खजाना है, परंतु डर के मारे कभी वे लोग उस खजाना को पाने के लिए वहां पर नहीं गए। एक बार की बात है, गांव का एक आदमी जंगल से किसी काम से जा रहा था तो एक देखा एक पेड़ के नीचे एक संत महात्मा बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे थे, ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। चेहरे पर एक बहुत ही अलग तरह की चमक है और उस चमक से झलक रहा है कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं। वह व्यक्ति सोचा कि भाई इतने बड़े ज्ञानी हैं लग रहा है, तो क्यों ना ये खजाना का इनसे पता पूछा जाए। परंतु अकेले हिम्मत नहीं हुई उसकी। वह गया गांव वालों के पास और गांव वालों से कहा कि गांव वालों एक जंगल में बहुत बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और ऐसा करते हैं, चलते हैं उनके पास, पूछते हैं कि खजाना कहाँ है जंगल का। ऋषि मुनि बहुत ही ज्ञानी लग रहे हैं, उनके चेहरे पर बहुत बड़ा ग्रेस है और यदि उनके चेहरे पर ग्रेस है तो ये शो कर रहा है कि भाई वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, जरूर हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। गांव वालों ने कहा हाँ हाँ, ये तो पक्का है कि भाई इस जंगल में कहीं पर खजाना है और यदि ये बता सकते हैं तो क्यों ना यहाँ पर चला जाए। बस तो भाई गांव के बहुत सारे बुजुर्ग लोग, युवा लोग, कुछ हल्के फुल्के जवान लोग, हल्के जो अभी जवान हो रहे हैं, ऐसे सभी मिलके ये सभी गए वहाँ पर बच्चों और ऋषि मुनि का पैर पकड़ लिया और कहा महाराज बताइए कहाँ खजाना है, इस जंगल में कहीं खजाना है, आप बता दीजिए ताकि हम लोग इस गरीबी से, इन समस्याओं से मुक्त हो जाए, आप बताइए। इंटरेस्टिंग बात बच्चों, बहुत इनके अनुनय विनय करने के बाद ऋषि ने आंखें खोली और कहा ठीक है, ये तो मैं जानता हूं कि खजाना इस जंगल में कहां पर है। इस जंगल में बच्चों एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में खजाना है कहीं पर, ये तो है मैं भी जानता हूं। और इस बिल्डिंग में एक मुख्य दरवाजा है ना, तुम लोगों को मैं केवल मुख्य दरवाजे तक ही पहुंचा सकता हूं। उसके बाद अंदर जाएंगे, बहुत सारे कमरे हैं, अंदर बहुत बड़ा एरिया है, उन एक एक कमरों में कहां पर वो है ये मैं भी नहीं जानता हूं। मैं यहां जानता हूं कि यस इस बिल्डिंग के अंदर कहीं पर है, मैं तुम्हें उस बिल्डिंग तक पहुंचा दूंगा, बाकी अंदर ढूंढने का काम आपका है। बोलिए यदि आप लोग इस बात को लेके राजी हैं तो मैं बता सकता हूं, बाकी आप लोग ढूंढ लीजिएगा, भाई मुझे नहीं चाहिए कुछ। परंतु एक बात ध्यान रखना, वहां पर अकेले ही जाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। और एरिया बहुत खतरनाक है, अंदर जाएंगे कुछ भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना है
कि उधर से आने के बाद कोई बोलेगा नहीं कि भाई मेरा क्या अनुभव रहा, चुपचाप आप अपने घर जाइएगा। जिसको मिल जाए खजाना वो अपने घर जाए, बाकी चुपचाप जिनको नहीं क्या करना अपना चुपचाप घर वैसे आ जाए। ये बात ध्यान रखना, कोई फालतू बोलेगा नहीं। सबने कहा ठीक है महाराज, ठीक है, परंतु आप क्या कह रहे हैं, अकेले जाना है? हाँ अकेले जाना है। बच्चों ये बात सुन के बहुत सारे लोग तुरंत पीछे हो गए, भैया अकेले जाना है? अरे भैया गए जंगल में शेर खा गया तो, हाँ कहीं कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? यानी कि बहुत सारे लोग तो बच्चों तुरंत पीछे हो गए कि मैं भाई नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु उसी में 10-20 लोग जो करेजियस थे वे सामने आए कि गुरुजी मैं जाऊंगा, रास्ता बताइए। तो उसी में गुरुजी ने रास्ता बताई ऐसे ऐसे ऐसे, तो गुरुजी ने जब बताया तो बहुत से लोग चल दिए, मतलब अकेले अकेले। एक व्यक्ति गया दरवाजे में, दरवाजे तक पहुंचा और ज्यों दरवाजा बड़ा वाला खोला बच्चों, तुरंत वो भागा भागा वापस आ गया। कहने लगा गुरुजी मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। चलिए भाई कोई बात नहीं, नहीं जाइए। चलिए भाई दूसरे गए, तीसरे गए, चौथे गए, सभी गए, जो भी जाना चाहते थे गए, परंतु बच्चों वन बाय वन सभी लोग वापस आ गए, सभी लोग वापस आ गए कि गुरुजी मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए खजाना, मुझे नहीं चाहिए खजाना। तो भाई क्या हुआ? तो भाई बहुत खतरनाक एरिया, इतना बोले खैर सभी लोग अपने अपने गांव गए। उसी में बच्चों लास्ट में एक बहुत ही युवा लड़का, उभरता हुआ लड़का, उन सारी चीजों को देख रहा था कि लोग जा रहे हैं और बदहवासे से डर के मारे वापिस आ रहे हैं, वापिस आ रहे हैं बच्चों। अब इस तरह से युवा ने कहा, डिटरमाइन किया, अपने को डिटरमाइंड किया कि यस अब मैं जाऊंगा। उन्हें कहा गुरुजी मुझे जाने दीजिए, मुझे रास्ता बताइए, मैं जाऊंगा। तो देख लो बच्चा, इतने लोग गए थे, सब वापस आ गए हैं, कोई जा नहीं पाया, तुम तो बच्चे हो, नहीं गुरुजी मैं जाऊंगा। ये लोग वापस आ गए हैं परंतु मैं वापस नहीं आऊंगा, ये आपसे वादा है। और मैं निश्चिंत आपको करता हूं कि मैं जब तक खोज नहीं लूंगा मैं वापस नहीं आऊंगा। तो देख ले बच्चा, देख ले, हाँ गुरुजी रास्ता बताइए। गुरुजी ने रास्ता बता दिया, बंदा गया, बिल्डिंग मिली, बिल्डिंग का पहला दरवाजा खोला और एक बिल्डिंग में एक फिर आगे गया, एक कमरा मिला, बड़ा सा कमरा। उसने पहले कमरे को खोला, फिर दूसरे कमरे को खोला बच्चों, खैर खोलता गया जो भी हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में बच्चों एक दिन गुजर गया, दो दिन गुजर गया, तीन दिन गुजर गया, चार दिन गुजर गया। गांव वालों ने सोचा ये तो आदमी मर गया, मर गया लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से तो पक्का है कि भाई ये मर गया होगा। क्योंकि गांव वालों का एक्सपीरियंस ये था बच्चों कि जिस दरवाजे को खोला था उसमें बहुत सारे सांप, बिच्छू, बहुत से जहरीले जानवर बैठे हुए थे और इसी मारे जो जो लोग थे, जो गए थे, सभी डर के भाग के आ गए थे। तो उनका एक्सपीरियंस था कि भाई ये पक्का है मर चुका है। गुरुजी के पास भागे भागे गए, गुरुजी से कहा कि गुरुजी वो तो दो तीन दिन हो गया अभी आया नहीं, क्या लगता है आपको जिंदा होगा वो? गुरुजी ने कहा मैं कैसे कह सकता हूं कि जिंदा होगा या नहीं होगा भाई, तो जाके तुम लोग देखो। तो ना गुरुजी हम लोग नहीं जाके देखेंगे, तो जाके नहीं देख पाओगे तो अपने अपने घर जाओ या यहां बैठ के इंतजार करो, क्यों परेशान, देखो क्या होता। बच्चों दिन गुजर गए, बहुत से दिन गुजर गए,
एक महीना गुजर गया, दो महीना गुजर गया, 60वें दिन वो लड़का फिर वापिस आया और बहुत सारे धन धान्य से भरा हुआ, एकदम फुल ऑफ वेल्थ, फुल ऑफ ट्रेजर वो आया लड़का। और उसमें इंटरेस्टिंग बात ये रही बच्चों, इतना बड़ा खजाना इतनी बड़ी मात्रा में लेके आया था, उसने सभी गांव वालों को बांट दिया, सभी गांव वालों को बांट दिया। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है, एक रुपया भी अपने लिए नहीं रखा, नोट ए सिंगल क्वाइन अपने लिए नहीं रखा, जो बिलाया था गांव वालों को बांट दिया। गांव वाले सरप्राइज्ड। भारत में तो बच्चों ये प्रॉब्लम है ना, यदि सब कुछ दूसरों को भी दे दो तो भी अब आपको मूर्ख समझेंगे, और ना दो तो आपको लालची समझेंगे। उसने सब कुछ दे दिया तो बहुत से गांव वालों ने कहा, अरे मूर्ख है, बताओ एक रुपया भी अपने लिए नहीं रखा। तो उसी में कुछ गांव वाले थे, उन्होंने कहा, भाई सोचने वाली बात है यार, इसने एक रुपया भी नहीं रखा, आखिर क्यों क्यों? और चलो यार पूछते किसको खजाना मिला कैसे, हाँ चला चलते हैं पूछते क्या ये दोनों बात का रहस्य क्या है। बहुत से लोग उस लड़के के पास गए और उन्होंने पूछा, भाई पहले तो ये जवाब चाहते हैं कि खजाना तुम्हें मिल कैसे गया, तुम्हें डर कैसे नहीं लगा, और दूसरी बात तुमने एक रुपया भी अपने लिए नहीं रखा, सब दे दिया। लोगों ने कहा तो उस लड़के ने बताना शुरू किया। उस लड़के ने कहा, यस मैं भी जब बड़ी बिल्डिंग में गया, पहले दरवाजे पर गया, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, परंतु जब मैं अंदर गया, दरवाजा खोला, तो दरवाजा खोलते ही पहले कमरे में खूब सारे जहरीले ये वो ऐसा वैसा प्राणी थे। तो गांव वाले कहने लगे, हाँ 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 ऐसा तो था बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं मुझे डर नहीं लगा, मैं देखा और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। तो जब दरवाजा बंद कर दिया तो उधर से अंदर से कोई आने की कोशिश भी नहीं किया। फिर मैं गया ढूंढते ढांढते दूसरा दरवाजा खोला तो देख रहा हूं सेम उसी तरह के मिल रहे हैं जीव जंतु। फिर तीसरा दरवाजा खोला तो उसमें भी देख रहा हूं सेम किस्म के भारी भरकम हिंसक जीव जंतु बैठे हुए। एक बार हल्के से लपके मेरी ओर, परंतु तब तक मैंने फिर से दरवाजा बंद कर दिया। और फिर मैं आगे चलता रहा, ढूंढता रहा दरवाजा एक के बाद एक, और इस तरह से दो तीन दिन गुजर गए, चार दिन गुजर गए। मैं भूख से परेशान था, त्रस्त था, प्यास से परेशान था, मन कर रहा था मैं वापिस चलूं, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, परंतु क्योंकि मुझसे मेरा कमिटमेंट था। बात ध्यान रखना बच्चों कि नहीं, ढूंढ के ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए ढूंढ के ही जाना है, अन्यथा नहीं जाना। मैं इस तरह से भटक रहा था, फिर एक कमरे में अचानक जब मैं गया और दरवाजा खोला उसका, तो देख रहा हूँ वहाँ पे कुछ फल वल पड़े हुए थे, बहुत से हल्के फुल्के खराब अवस्था में थे, कुछ सूखे उखे से थे, कुछ वैसे थे। वहीं पर बगल में एक झरना भी था, तो बच्चों भूख के मारे में परेशान था, कुछ उन सूखे फलों को खाया और पानी पिया, फिर मुझे तसल्ली हुई और फिर मैं चल दिया आगे। मैं आगे के दरवाजों को भी खोला तो देखा कुछ उसी तरह के हिंसक प्राणी ये वो मिल रहे हैं, परंतु तब तक मैं समझ गया था कि ये जो हिंसक प्राणी हैं, ये जो जहरीले प्राणी हैं, ये ऐसे हैं ना अपने कमरे में चुपचाप बैठे हुए हैं, दरवाजा खुल रहा है, हल्का सा एक्टिव हो रहे हैं, परंतु मुझे दौड़ा के काट नहीं रहे हैं, मार नहीं रहे हैं, ये अपने कमरे में चुपचाप बैठे हुए।
तो मैं समझ गया कि भाई इनको छेड़ो नहीं तो ये भाग के दरवाजे से बाहर आएंगे नहीं, और मैं फटाक से दरवाजा बंद कर देता था, फिर आगे बढ़ जाता था। इस तरह से मैं कई दिनों तक दरवाजा एक के बाद एक खोलता रहा और मुझे कुछ नहीं मिलता। इसी दौरान मैं भूख प्यास से कई बार परेशान भी हुआ, परंतु एक इंटरेस्टिंग बात यह दिख रही थी कि कुछ खास दरवाजों के खोलने के बाद, कुछ एक नंबर्स के बाद, मुझे कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती थी। उसी में मैं अपने लिए पानी भी कहीं ढूंढ लेता था। डर मुझे भी लग रहा था कि नहीं, चलो कहीं ऐसा ना हो कोई दरवाज़ा खोलूं और उसमें इतना भयंकर प्राणी हो कि मुझे मार दे। परंतु फिर वही बात, खुद से किया हुआ कमिटमेंट, वह जो कमिटमेंट था मुझे एनर्जी दे रहा था। मैं ढूंढते ढूंढते जब 59वें दरवाजे पर पहुंचा, 59th डोर को ओपन किया, तो उसमें खजाना मिल गया। खजाना मिल गया, बहुत बड़ा खजाना। मैं बड़ा खुश हुआ, वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मेरी मेहनत सफल हो गई। मैं अभी सोच रहा था तभी उसकी दीवारों पे एक जगह लिखा हुआ था, इससे भी बड़ा खजाना तो आगे है, इससे भी बड़ा खजाना तो 60th जो दरवाजा है खोलोगे, 60वां दरवाजा खोलोगे उसमें है, जाना चाहोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल भाई, क्यों नहीं जाना चाहेंगे यार, खजाना ढूंढने तो आए हैं, एक तो मिला, इससे भी बड़ा है तो और भाई। वो बच्चा उस दरवाजे को भी खोला, 60वें दरवाजे को, उस दरवाजे के अंदर खोल के जब गया तो देख रहा है चारों ओर शीशा लगा हुआ है, खूब सारा शीशा लगा हुआ, चारों ओर नीट एंड क्लीन, लाइट जल रही है खूब, कमरा बड़ा सा था, उसमें ढूंढ रहा है चारों ओर, देख रहा है कहाँ खजाना, कहाँ खजाना, कहाँ खजाना, कहीं खजाना नहीं, कहीं कुछ नहीं, कोई एक रुपया नहीं, कहीं कुछ नहीं। बड़ा सरप्राइज, अरे कहाँ खजाना, कहाँ खजाना है, कहाँ खजाना। परेशान हालत में यहां वहां घूम रहा है। कई मिनट गुजर गए, कई घंटे गुजर गए, कहीं कोई खजाना नहीं। जहां जाए, जिस चीज को छुए, जहां देखे तो शीशा में वही दिखाई दे रहा, शीशा में वही दिखाई दे रहा, शीशे में वही दिखाई दे रहा। ही बिकेम हाईली सरप्राइज्ड, बट कुछ देर बाद बच्चों अचानक ही बिकेम इनलाइटेड। उसने कहा कहीं ऐसा तो नहीं, वो खजाना मैं ही हूं, मैं ही तो इस कमरे में हूं, मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं, और चारों ओर तो मैं ही दिख रहा हूं, ऐसा तो नहीं मैं ही हूं इस खजाने में, ऐसा तो नहीं। तब उसको समझ में आया, यस मैं ही वो खजाना हूं, मेरे अंदर ही वो खजाना है, कुछ नहीं चाहिए, मिल गया खजाना, मिल गया। और फिर जो 59th कमरे में कुछ खजाना था वही मैं लेके आया और आप लोगों को दे दिया, मेरा खजाना तो मुझे मिल गया, खजाना मेरा मिल गया, मुझे नहीं चाहिए ये तो भौतिक खजाना है, मुझे तो वो खजाना मिल गया जो जीवन में सबसे जरूरी है, क्या? खुद पर विश्वास, आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास, कर्म में विश्वास, क्योंकि मैं ढूंढते 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 वहां तक पहुंचा, उसका विश्वास, कमिटमेंट का विश्वास कि यस मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं ढूंढ सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, इस जीवन में कोई समस्या नहीं है, समस्याएं मुझे नहीं मार सकती हैं, मुझे तो पैदा करने वाला भगवान है, ये समस्याएं मुझे क्या मारेंगी जो अभी सांप बिच्छू और हिंसक जीव जंतु के रूप में दिखाई देती थी। ये जो मेरे अंदर इनलाइटमेंट हुआ तो मुझे समझ में आया कि सारा खजाना मेरे अंदर ही है।
मुझे नहीं चाहिए, लो। और बच्चों, कुछ समय बाद वही व्यक्ति उस क्षेत्र का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति भी बना। पता आप लोग, अपने परिश्रम के बल पर, अपने कार्यों के बल पर, अपने आत्मविश्वास के बल पर वही व्यक्ति बाद में सबसे बड़ा अमीर बना। समझे? जरा सोचिए बच्चों, आप लोग परेशान रहते हो, परेशान रहते हो कि अरे मुझे भगवान ने क्या दिया, मेरे अंदर क्या है, मैं तो ऐसा हूं। नहीं, खुद सबसे बड़े खजाना हो बच्चों, खुद सबसे बड़ा खजाना हो। वो खजाना आपके अंदर बस जागृत होना चाहिए, आत्मविश्वास का, कुछ कर गुजरने का, जीतने का, पाने का। जिस दिन ये जागृत हो जाएगा, आप ही खजाना हो, यूपीएससी की मंजिल ना दूर नहीं आपसे, यूपीएससी की मंजिल दूर नहीं है आपसे, बहुत नजदीक होगी। कभी एक बार इनलाइटेड तो हो, जज्बा तो पैदा करो और जाके ढूंढो खुद को, खुद में बच्चों। समझे? तो देखिए क्या से क्या हो जाएगा। तो थैंक यू बच्चों, इस कहानी से आप यदि सीखते हैं तो जरूर अपने जीवन में उतारिए, अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।